जनपद बलरामपुर में 4 मई को होने वाले निकाय चुनाव के मतदान को लेकर पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह से सतर्क कर दी है। इंडो नेपाल के लगभग 80 किलोमीटर सीमा पर तैनात सशस्त्र सीमा बल जवानों के साथ सामंजस्य बनाते हुए बैरियर की संख्या भी बढ़ाई गई है। लिंक मार्गों पर सतर्कता बढ़ती जा रही है और हर आने जाने वाले की चेकिंग कराई जा रही है ताकि किसी भी प्रकार की अनैतिक गतिविधियों को रोका जा सके। जिले के सभी नगर पालिका क्षेत्रों और कस्बे में लगातार पुलिस बल तथा आईटीबीपी के जवानों द्वारा पेट्रोलिंग करके सुरक्षा व्यवस्था का एहसास दिलाया जा रहा है। पुलिस अधीक्षक केशव कुमार ने बताया कि नेपाल सीमा पर सतर्कता पूरी तरह बढ़ा दी गई है। जिले के 5 नगर निकायों में कुल 96 वार्ड हैं, जिसके लिए मतदान हेतु 79 मतदान केंद्र तथा 222 बूथ बनाए गए हैं। सभी संवेदनशील बूथों पर पीएसी तैनात की गई है। जनपद बलरामपुर में 5 नगर निकाय हैं, जिसमें 2 नगर पालिकाएं हैं और 3 नगर पंचायत हैं। एक जो है नवसृजित नगर पंचायत है घैसरी। कुल मिला के हमारे चुनाव में 96 वार्ड हैं, जिसमें 79 जो है केंद्र हैं, 222 बूथ हैं। और इन सभी पर जो भी मानक आया है पुलिस मुख्यालय से, उसके हिसाब से पुलिस फोर्स जो है वो लगा दी गई है। इसमें जो संवेदनशील स्थान है वहाँ पे पीएसी भी लगाई गई है। इसके अलावा पैरामिलिट्री में हमें आईटीबीपी मिली है, एक कंपनी, उसको भी डिप्लॉय किया जा रहा है। जो भी महत्वपूर्ण स्थान है उन सभी जगहों पर हमें पीएसी मिली है, पीएसी अलॉट किया गया है। इसके अलावा बाहर से सब इंस्पेक्टर्स मिले हैं, लगभग 200 के आसपास होमगार्ड्स मिले हैं। इन सभी का प्रॉपर डिप्लॉयमेंट प्लान बना के तैयार किया गया है। और अभी जो वर्तमान में जो है पैरामिलिट्री से लगातार सुबह और शाम में जो है रूट मार्च, फ्लैग मार्च करवाया जा रहा है अलग अलग थाना क्षेत्रों में जहाँ पर।